हाँ तो गाइस, फैक्ट वीडियो एडिटिंग जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन एडिटिंग एक ऐसा स्किल है जिसे तुम जितना सीखोगे उतना ही वह कम होगा। इसी तरह इस वीडियो में भी मैं तुम्हें एक अलग और यूनिक तरीका का एडिटिंग पॉइंट बताऊंगा। देखो 100% श्योर कि तुम्हें इस तरह का फैक्ट वीडियो उनके ऊपर होल क्यों होता है और इसका रियल काम क्या होता है जानने के लिए वरना वीडियो में एंड इस तरह का फैक्ट वीडियो बनाना पड़ता होगा। लेकिन तुम भी इस तरह के जिस तरह से तुम बैक में देखे हो वीडियो, उसी तरह का एडिटिंग तुम भी अपना वीडियो में करते हो, तो मैं भी इस वीडियो में इसी तरह का वीडियो का एडिटिंग करना बताऊंगा, लेकिन नॉर्मल नहीं, बिल्कुल प्रो लेवल का। और जिसे तुम अपने इस तरह का वीडियो में यूज करते हो, तुम्हारा वीडियो सच में नेक्स्ट लेवल का लगेगा। तो इस तरह का वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें वॉइस रिकॉर्ड कर लेना पहले, एंड जिस तरह का तुम्हारा फैक्ट है उससे रिलेटेड तुम्हें पहले फोटो डाउनलोड करना होगा। तो उसके लिए इमेज सर्च एप्लीकेशन पर जाना है एंड सर्च करना है फैक्ट वीडियो से रिलेटेड इमेज। यहाँ पर काफी सारा इमेज आ जाएगा, कोई सा भी इमेज को तुम डाउनलोड कर लेना। अब ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें इसी एप्लीकेशन से डाउनलोड करना है, बल्कि तुम्हें जहाँ कॉपीराइट फ्री इमेज मिलता है वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। एंड इसके साथ ही वीडियो से रिलेटेड कॉपीराइट फ्री वीडियो क्लिप भी डाउनलोड करना होगा। तो इसके लिए गूगल पर एंड सर्च करना है पिक्सावे या पिक्सल, एंड इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है एंड यहां पर सर्च करना है जो तुम्हारा फैक्ट है उससे रिलेटेड वीडियो पर क्लिक करना है एंड जो तुम्हें डाउनलोड करना है उस पर क्लिक करना है एंड फ्री डाउनलोड पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर लेना एंड अब इसे तुम्हें एडिट करना है। तो इसके लिए कान मास्टर में जाना है एंड मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड फैक्ट वीडियो से रिलेटेड वीडियो क्लिप डाउनलोड किया है उसे सिंपल यहां पर सिलेक्ट कर लेना है और जहां पर तुम्हें इमेज लाना है वीडियो में वहां पर तुम्हें इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। देख सकते हो यहां पर वीडियो क्लिप सेट हो गया है एंड उसके बाद यहां इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड जो तुम्हारा वॉइस है उसे यहां पर सिलेक्ट कर लेना है एंड या फिर तुम यहां इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहीं पर तुम वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद अपना वॉइस मैच करना है वीडियो क्लिप का और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट हो वीडियो क्लिप का उसे कट कर देना जो तुम्हें ऑलरेडी आता ही होगा एंड फाइनल प्लस के बटन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर तुम्हें ट्रांजिशन ऐड करना है। उसके लिए तुम्हें होम के ऑप्शन पर क्लिक करना है, इधर लेफ्ट के साइड एक्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर से तुम्हें बहुत सारा अलग अलग ट्रांजेक्शन देखने को मिल जाएगा, इसमें से तुम्हें 2-3 देख कर डाउनलोड कर लेना है। एंड उसी तरह जहाँ जहाँ तुम्हें प्लस का ऑप्शन है उसी तरह यूज करना है। अब तुम्हारा वीडियो क्लिप फाइनल एडिट हो गया है, अब यहाँ पर जो मैं इस वीडियो में एडिटिंग बताने वाला हूँ उसे यूज करना है। तो एंड तुम्हारा वीडियो में जहाँ पर इमेज का यूज है वहाँ पर जाना है एंड 2 फिंगर से कुछ इस तरह से करना है जिससे ये थोड़ा जूम हो जाएगा एंड उसके बाद इमेज पर क्लिक कर देना है एंड 3D डॉट पर क्लिक करना है एंड कॉपी टू लेयर पर क्लिक कर देना है जिससे ये नीचे और एक तरह का बनकर चलाएगा एंड इसका साइज फुल कर लेना है। ये तो तुम्हें नॉर्मल अभी भी दिख रहा है, लेकिन इस ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड ये नॉर्मल ही रहने दो। अब जहाँ पर तुम्हारा वॉइस में मेन पॉइंट बताया जा रहा है जैसे कि इस वॉइस में उनके ऊपर होल क्यों होता है और इसका रियल काम क्या होता है, तो यहाँ पर जहाँ 2 होल बोला जा रहा है वॉइस वहाँ पर सिंपल जाना है एंड इस प्लस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, कुछ इस तरह से जूम कर देना है एंड इसी तरह आगे थोड़ा जा रहा है प्लस का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, फिर से इमेज को लास्ट में जाना है एंड उसे छोटा कर देना है, नॉर्मल जितना तुम्हारा वीडियो में साइज होता है इमेज का उतना कर देना है। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो कितने अच्छी तरीके से इमेज एनिमेशन की तरह शो हो रहा है। अब यहाँ पर तुम्हें लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड स्टिकर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर तुम्हें एक ऑप्शन दिखने को मिल रहा है होम का, इस पर क्लिक कर देना है एंड इधर स्क्रॉल करना है लेफ्ट की तरफ आइकॉन पर क्लिक कर देना है एंड राइट की तरफ स्क्रॉल करना है 3D एरो पर क्लिक कर देना है एंड इसे डाउनलोड कर लेना है। अब बैक आना है, 3D एरो पर क्लिक करना है एंड इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है एंड इसे रोटेट कुछ इस तरह से करना है, तुम्हें जो मेन पार्ट है जहां तुम दिखाना चाहते हो वहां पर सिलेक्ट कर देना
कुछ इस तरह का एंड तुम्हारा वीडियो रेडी हो गया। यहाँ पर तुम देख सकते हो कितना ओपी तरीका ये इमेज का एनिमेशन एडिटिंग हो गया है। अब इस वीडियो को और ज्यादा प्रोफेशनल बनाना चाहते हो तो लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करके उस एडिटिंग पॉइंट को भी इसी वीडियो में यूज करना, उसके बाद तुम्हारा वीडियो और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल का बन जाएगा। तो उसके बाद फिर से एक्सपोर्ट करके वीडियो को अपलोड कर सकते हो। तो तुम वीडियो के यहाँ तक देखे हो तो तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अपना चैनल के लिए लोगो बनाना चाहते हो तो राइट वाला वीडियो बहुत काम आएगा। मैं मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।